तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। थोड़ा समय लगा आने पर क्या करें, कभी कभार ऐसा हो जाता है। पर अब मैं आ गया हूं आपके लिए कुछ ऐसी रोमांचक कहानियां लेकर, जिसे सुनकर आपको डर लगे या ना लगे, पर उनके होने का विश्वास थोड़ा ज़रूर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारी आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आपके पास भी कहानियां हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। देर सवेर आपकी कहानियां मैं लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मैं गांव का रहने वाला हूं और मेरे गांव में एक बड़ा सा जंगल है, पर हमें कोई भी उस जंगल में जाने नहीं देता, क्योंकि हमारे बगल में जो गांव है वहां अक्सर तांत्रिक ओझा आते रहते हैं और वो उस जंगल में जाकर बलि देते हैं, इसीलिए हमें उस जंगल में जाने नहीं देते। पर हम कहां मानने वाले थे, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि बच्चों को अक्सर जिस चीज़ के लिए मना करो, न जाने क्यों पर वो मानते ही नहीं, और बस यही हमने भी किया। हम चार दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम सब रात को 2 बजे चुपचाप उस जंगल में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर क्या है वहां पर। हम वैसे भी चार लोग तो हैं ही। हम लोग ठीक 2 बजे अपने बैग में कुछ सामान रखकर ठीक जंगल के सामने खड़े हो गए। इसके बाद हमने अंदर की ओर कदम बढ़ाने शुरू किए। देखते ही देखते हम लोग काफी अंदर पहुंच गए थे। शुरुआत में तो हमें लगा कि ये सब आम जंगलों के जैसा ही तो है, पर जैसे जैसे हम अंदर की ओर बढ़ते रहे तो हमें एक बड़ी सी लकड़ी से बनी झोपड़ी दिखाई दी। पहले तो हमें लगा कि और आगे चलते हैं, पर फिर याद आया कि जब इस जंगल में कोई आता ही नहीं तो एक बार क्यों ना इसे देख लिया जाए, वैसे भी किसी को क्या पता चलेगा। हम जैसे ही उस झोपड़ी के अंदर गए तो नज़ारा कुछ और ही था। झोपड़ी अंदर से बेहद खूबसूरत थी, बस थोड़ी धूल जमी हुई थी। जगह जगह दीवार के कोनों पर मकड़ियों ने जाले बनाकर घर का कुछ हिस्सा अपना बना लिया था। साथ ही वहां पर कुछ हथौड़े, स्क्रू ड्राइवर, न जाने क्या क्या ऐसी चीजें जो कि एक फर्नीचर बनाने वाले के काम की लग रही थी, लेकिन वो धूल की परत से ढकी हुई थी। देखकर लगता था कि सालों से कोई अंदर आया ही ना हो। हम चारों आराम से अपना बैग रखकर बैठ गए कि तभी एक दोस्त ने कहा कि क्यों ना हम इसकी सफाई कर देते हैं, वैसे भी यहाँ कोई आता तो है नहीं, हम कभी कभार यहाँ आ जाया करेंगे। इसके बाद हम सब वहाँ से चले गए। वैसे हम कई बार वहाँ होकर आ चुके हैं, साथ ही हमने कई बार वहाँ से कुछ तांत्रिकों को गुजरते हुए भी देखा है, पर किसी को नहीं मालूम था कि हम लोग यहाँ आते रहते हैं। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ एक रात पूरी बिताएंगे और सुबह होते ही वहाँ से निकल जाएंगे। हम चारों ने प्लान बनाया और एक दूसरे का नाम लेकर अपने अपने घर से निकल पड़े। वहां पहुंचकर हमने अपना लैपटॉप ऑन किया और मूवी देखने लगे कि तभी अचानक रात में हमें कुछ अजीब सी महक आने लगी। वो महक कुछ मीट के मांस की थी। हमें सबको कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि एक तो हम घर से दूर थे और ऊपर से आज रात का प्लान जो कि हमें यहाँ ही रुकना था। हमने चुपचाप लैपटॉप बंद किया और शांति से बिना आवाज़ किए बैठ गए। सबकी नज़रों पर अंधेरा था। तभी मैंने खिड़की में पड़ी दरार से बाहर की तरफ देखा तो मैं एक पल के लिए तो देखता ही रह गया। मैंने देखा कि अंधेरे में एक तांत्रिक ने एक बकरे का गला काटा। ये देख मैं पीछे हटा और इशारे से सबको चुप होने का इशारा किया और शांति से सबको बाहर देखने को कहा। एक एक कर हम सब डर चुके थे, पर हम में से किसी की आवाज़ नहीं निकली। सब अपनी जगह पर वापस चुपचाप बैठ गए। तब मैंने दोबारा बाहर की तरफ देखा। मैंने देखा कि वो तांत्रिक कुछ मंत्र बुदबुदाकर वहां से चला गया। यकीन मानो मैं उस दरार से तब तक देखता रहा जब तक मेरी आंखें दरार तक सीमित रही और वो चला गया। इसके बाद मैंने उस कटे हुए बकरे की ओर देखा जिसकी टांगे अभी भी हिल रही थी। पर दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो अब तक का सबसे बेहद डरावना और विश्वास ना आने वाला सच था। मैं बस नजरें हटाने ही वाला था कि मैंने देखा एक अजीब सा काला साया जो कि बकरे की ओर बढ़ रहा था। यकीन मानो मेरे देखते ही देखते वो मुझे किसी जानवर की तरह प्रतीत हुआ,
मैं चुप था, बस इसलिए कि हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा था, पर डर तो जैसे नसों में दौड़ रहा था। लेकिन हम उस वक्त कुछ कर भी तो नहीं सकते थे, हम सब शांत थे, जैसे हम यहाँ ना हो, बिल्कुल मूर्ति की तरह जैसे ये तैसे पड़े थे। लेकिन मैं बाहर की तरफ देखता ही रहा और मेरी आंखों के सामने उस साए ने बकरे का सर किसी जानवर की तरह खाया, जिसे देख हम सब डर गए थे पर चुपचाप थे। लेकिन एक बात थी दोस्तों, इसे या तो हमारी किस्मत मान लीजिए या कुछ भी, कि उस घर में कोई ना आता था ना जाता था। उस दिन अगर गलती से भी वो तांत्रिक अगर उस झोपड़ी में आ जाता तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। खैर, हम बस सुबह होने की दुआ मांग रहे थे और चुपचाप बैठे थे। शुक्र था कि ना कोई आया और ना कुछ हुआ, हम सब सही सलामत थे। और जैसे ही सुबह हुई सब कुछ शांत था। हम धीरे धीरे एक एक करके वहां से निकले और बस थोड़ी दूर जाने के बाद भागते हुए उस जंगल के बाहर पहुंचे। हमने देखा कि वहां एक बाबा आराम से बैठे चिलम फूंक रहे थे। हमने जाते ही एक एक करके उनके पैरों को छुआ और चुपचाप आगे बढ़ गए। बस सवाल मन में एक ही था कि उनकी हंसी कुछ अजीब सवाल पैदा कर रही थी, न जाने क्या था वो। बस शुक्र था कि हम जिंदा थे। इसके बाद हमने ये बात किसी को नहीं बताई। साथ ही तब से लेकर अब तक हमारे साथ और कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों आइए चलते हैं सोनाली घोष के पास, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है। दोस्तों उस वक्त मैं 10th क्लास में थी। हमारा स्कूल और हॉस्टल एक ही कैंपस में था। हमारे ठीक पीछे बॉयज हॉस्टल था। कई बार मैंने सुना था कि हमारा हॉस्टल एक शमशान के ऊपर बना था। साथ ही कैंपस की बाउंड्री पर हमने कई बार लोगों को जलाते हुए भी देखा था। 9th क्लास तक तो मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे साथ रहे, पर जैसे ही मैंने स्कूल चेंज किया तो मैं 10th में एक लौती अकेली ही थी जो कि उस स्कूल में थी। वैसे हमारे हॉस्टल में हमारी शैतानियों के चक्कर में कोई वार्डन भी नहीं टिकती थी। अभी हाल ही में वार्डन हॉस्टल छोड़कर चली गई थी, तो दूसरी वार्डन आने में अभी टाइम था। हालांकि वार्डन का इन सब में कोई रोल नहीं था, बस मुझे लगा बताना ठीक है, सो बता दिया। साथ ही फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सारे बच्चों को हॉलीडेज मिला, लेकिन हम 10th वालों को स्कूल जाना पड़ा क्योंकि हमारे प्री बोर्ड होने वाले थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं हॉस्टल के 3rd फ्लोर पर रहती थी, सीनियर थी तो मुझे वहाँ एक सिंगल रूम ही मिला था, पर दूसरी तरफ हमारे 2nd फ्लोर पर कोई रहता नहीं था। कारण ये था कि लोगों ने उस फ्लोर के बारे में कई सारी बातें फैला रखी थी। अगर मैं आपको बताऊं तो वो बातें कुछ इस प्रकार की थी। एक बार की बात थी, एक इंग्लिश टीचर उसी 2nd फ्लोर पर रहते थे। उनका एक बेटा भी था जो कभी भी रात को उठकर रोना शुरू कर देता था। बाद बाद में उसने ठीक से खाना खाना भी बंद कर दिया था और बीमार रहने लगा। वो हर बार कहता था कि उसे कोई दिखाई देता है। इसके बाद उन्होंने वो हॉस्टल ही छोड़ दिया और कहीं और चले गए। ठीक उसके बाद एक केमिस्ट्री के टीचर आए। एक रात वो ठीक से सो नहीं पाए तो अगले दिन हमें डांटते हुए बोले कि तुम रात भर बगल वाले कमरे में बास्केटबॉल क्यों खेल रहे थे, मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। इसके बाद जब हमने उस कमरे में जाकर देखा तो उसका दरवाज़ा तो लॉक था, वहाँ तो ताला लगा हुआ था। हाँ, एक बार मेरी जूनियर को भी वहाँ कुछ दिखा था, क्योंकि जब वो पानी लेने गई तो वहीं पर बेहोश हालत में मिली थी। बस इसी कारण की वजह से वहाँ कोई रहता नहीं था। खैर, बच्चों के हॉलीडेज थे तो हॉस्टल खाली खाली सा हो गया था। मैं उन दिनों खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। खाना खाने के लिए मुझे 2nd फ्लोर से होकर जाना पड़ता था। कई बार तो मुझे भी एहसास हुआ कि कोई मेरे साथ साथ सीढ़ियाँ उतरता है। मैं भागकर ही जल्दी से नीचे ऊपर जाती थी। जब डर बढ़ गया तो नेगेटिविटी भी मुझे अपनी ओर खींचने लगी। एक बार की बात है, जब मैं रात में सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर बैल्कोनी में कोई चल रहा है। कई बार तो वॉशरूम से चीज़ें गिरने की आवाज़ें भी आती। ऐसे ही एक बार की बात है, रात में सोते वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरे दरवाजे के पास कोई खड़ा है। मैंने तुरंत ही लाइट जलाई तो वहाँ कुछ भी नहीं था। डर के मारे मैंने लाइट ऑन ही रखी। इसके बाद ही मुझे नींद आई। पर हैरानी की बात तो ये थी
कि जब मैं सुबह उठी तो लाइट बंद थी, साथ ही मेरा तकिया और मेरा टेडी बियर दोनों ज़मीन पर गिरे पड़े थे। अब मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। स्कूल जाने के बाद मैंने ये बातें अपने दोस्तों को बताई तो उल्टा उन्होंने मुझे एक बात बताकर चौंका दिया। उन्होंने कहा कि पता चला है कि बॉयज़ हॉस्टल में एक लड़के को भी कुछ दिखा था, तो वो वॉशरूम में ही बेहोश हो गया। इसके बाद हमने हमारी हिंदी टीचर को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि मैं एक पंडित भी हूँ, तुम बच्चों को कुछ नहीं होगा। उन्होंने उसी रात से बच्चों के साथ सोने से पहले प्रेयर की, पर इसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उल्टा मेरा जीना और मुश्किल हो गया। और फिर वो सब मेरे साथ हुआ जिसने मुझे अंदर तक दहला दिया। एक रात पता नहीं पर क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं बाहर बैलकोनी में जाकर खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी तो मेरी नज़र बॉयज़ हॉस्टल की छत पर गई तो मैंने वहाँ पर एक लड़की को देखा। वो रात में भी एक अजीब सी चमक लिए मुझे देख रही थी। मेरी नज़रें उस पर टिकी रही, ना चाहते हुए भी मैं उसकी ओर ही देखती जा रही थी। मेरे देखते ही देखते वो हॉस्टल की छत से कूद गई। ये सब देख मेरे पसीने छूट गए। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर वार्डन को बुलाया पर कोई नहीं आया। इसके बाद मैं वापस रूम में चली गई और इन सब के बारे में सोचने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे बेड के नीचे से किसी के नाखूनों से खुरसने की आवाज़ आ रही है। मैं बहुत डर गई थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं नीचे देखूं, बस कांप रही थी और ऊपर वाले का नाम ले रही थी। थोड़ी देर बाद जब खुरसने की आवाज़ बंद हुई तो बाहर वाले रूम से फुटबॉल खेलने की आवाज़ आना शुरू हो गई। वो रात मैंने कैसे काटी मैं ही जानती हूँ। अगले ही दिन मैंने सुबह सुबह माँ को कॉल करके सब कुछ बता दिया और वो उसी शाम मेरे पास चली आई। माँ ने टीचर से परमिशन ली और वो रात को मेरे साथ ही रुक गई। उन्होंने मुझे हमारे कुलदेव के मंदिर का एक ताबीज़ दिया। उस रात मुझे बड़ी अच्छी नींद आई और फिर अगले दिन माँ ने मुझे बताया कि मुझे पहली बार स्लीप पैरालिसिस हुआ था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि जिन लोगों को स्लीप पैरालिसिस के बारे में नहीं पता, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसके बारे में अच्छे से जान पाओगे। खैर, माँ ने उस रात क्या देखा या नहीं पर मुझे बताया कि यह हॉस्टल सही नहीं है। इसके बाद माँ ने वहाँ से मेरा हॉस्टल छुड़वा दिया और जाते समय वहाँ के पुराने गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि जहाँ लोगों को जलाया जाए तो यहाँ कुछ भी होना स्वाभाविक है। हम यहाँ रात भर ड्यूटी करते हैं तो हमें कभी कभार कई आवाज़ें सुनाई देती हैं तो कभी कुछ दिखाई भी देता है, पर हाँ, हमें यहाँ किसी को आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। वैसे मेरी माँ भी एक डॉक्टर है, उन्होंने भी कई लोगों को हॉस्पिटल में जीते मरते देखा है, कई बार उन्होंने भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, तभी तो उन्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ जिसकी वजह से उन्होंने मुझे इस परेशानी से निकाला ताकि मैं अपनी आगे की पढ़ाई अच्छे से कर पाऊँ। वैसे दोस्तों, आज मैं सेकेंड ईयर में हूँ मेडिकल कॉलेज यूक्रेन में और अब सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, ये थी सोनाली की आप बीती। आइए एक नज़र शुभांगनी महेश्वरी पर भी डालें। आइए चलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शुभांगनी महेश्वरी है और मेरा जन्म राजस्थान में हुआ है। फिलहाल मैं मुंबई महाराष्ट्र में रह रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ जॉब भी करना चाहती थी। मेरी ये कहानी मुझे अच्छे से याद है। मैं जब उन दिनों को याद करती हूँ तो बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। ये कहानी आज से 12 साल पहले की है, जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। दोस्तों, दरअसल हमारे यहाँ सहस्त्रा घाट रखते हैं जिसमें शिवजी भगवान को 100 घड़े चढ़ाए जाते हैं और ये फंक्शन बड़े लेवल पर किया जाता है जिसमें सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है पूजा के लिए। फंक्शन हमारे जयपुर के पास एक फेमस जगह में था जिसका नाम है गलता। वहाँ पर एक छोटा सा कुंड है जिसमें माना जाता है कि अगर कोई नहा ले तो वो पवित्र हो जाता है। वहाँ पर एक शिवजी का बड़ा सा मंदिर भी था और मंदिर के सामने एक बड़ा सा जंगल। हुआ यूँ कि परिवार के बड़े लोगों ने फैसला किया कि वो दिन में 12 बजे कुंड में नहाने जाएंगे, तो हम सब बस में बैठकर वहाँ के लिए रवाना हो गए। बस में बड़े लोग ताश पत्ती खेलने में बिजी हो गए और हम सभी बच्चों ने डिसाइड किया कि हम वहाँ जाकर लुक्का छुपी खेलेंगे। हम कुल मिलाकर 5 बच्चे होंगे जिसमें 2 लड़कियाँ और 3 लड़के थे।
हमने वहां पहुंचकर अपना गेम शुरू कर दिया। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूं, वहां पर एक पेड़ भी था जिसके नीचे एक कुआं था। और जब गेम शुरू हुआ तो बारी मेरी और मेरी चाची की लड़की पर आई, तो हम दोनों को मिलकर इन लोगों को ढूंढना था। गर्मियों के दिन थे तो प्यास भी बार बार लग रही थी। हम दोनों ने इधर उधर देखना शुरू किया। हमने बहुत देखा, तब जाकर वहाँ एक बूढ़ी औरत नजर आई जो कि वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठी थी। हम भागकर उस बूढ़ी औरत के पास जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हमने देखा कि उसके पास एक लालटेन भी थी और उसने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था, लेकिन फिर भी मैं हल्का हल्का देख पा रही थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद इनके साथ कोई हादसा हुआ होगा और हाथ में लालटेन भी इसीलिए होगी क्योंकि वहां से गांव के लिए भी रास्ता जाता था, क्योंकि वो एक जंगल ही तो था। शायद ये बुढ़िया जंगल के उस पार वाले गांव में रहती होगी। हमने ज्यादा देर ना करते हुए उससे पूछा कि अम्मा, यहाँ आसपास कहीं पानी मिलेगा? तो उन्होंने इशारा करते हुए बताया कि वहां पर मिलेगा। हम जल्दी से दौड़कर उधर पहुंचे तो वहां पर सच में एक प्याऊ मिल गया। हमने पानी पिया और वापसी में आते समय उस बुढ़िया को थैंक्स करते हुए वहां से निकल गए और अपने गेम में लग गए। हमने बहुत ढूंढा पर हमें कोई मिल नहीं रहा था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना उसी बुढ़िया से पूछते हैं, क्या पता उन्होंने देखा हो कि वो तीनों कहां छुपे हैं। हम जल्दी से भागकर उस बुढ़िया के पास वापस चले गए तो उन्होंने हमें बताया कि वो लोग एक पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। तो हमने तुरंत ही उन्हें ढूंढ लिया। न जाने क्यों पर उन्हें शक हुआ कि हमें किसी ने बताया है। हमने मना किया पर वो बार बार पूछने लगे, तो हमने कहा कि हाँ, वहाँ पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठी है, उसी ने बताया है। लेकिन जब उन्होंने वहाँ देखा तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, तो पूछने लगे कि कहाँ बैठी है वो बुढ़िया। हमने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हमें लगा शायद वो मजाक कर रहे होंगे। हमने दोबारा गेम शुरू किया तो बारी फिर से हमारी ही आई, पर तब तक तीनों भाइयों को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए चले गए। उन्हें शायद पहले से ही पता था कि प्याऊ किधर है। वो पानी पीकर वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि वो लोग उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर किसी से बातें कर रहे थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो जिससे बातें कर रहे थे वो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसके बाद जब वो वापस आए तो हमने पूछा कि आप लोग किससे बातें कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वहां पर एक बुढ़िया है जिसके पास एक लालटेन भी है। हम तुरंत समझ गए कि ये तो वही बुढ़िया है जो कि हमें भी दिखाई दी थी, पर इस वक्त वो हमें क्यों नहीं दिखाई दी। हमने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस गेम खेलने में बिजी हो गए। जब सब लोग छुप गए तो हमने दोबारा उस कुएं की तरफ देखा तो हमें वो बुढ़िया फिर से दिखाई दी। हमने सोचा कि क्यों ना हम जाकर दोबारा उससे पूछ लेते हैं कि हमारे भाई कहाँ छुपे हैं। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो इस बार वो हमें जंगल की ओर ले जाने लगी और हमें भी पता नहीं क्या हुआ, हम चुपचाप उसके पीछे पीछे जाने लगे। बस हम थोड़ी ही दूर चले होंगे कि हमारे भाइयों ने हमें ज़ोर से आवाज़ लगाई। हम एकदम से रुके और शॉक्ड रह गए कि हम यहाँ तक कैसे आए। इसके बाद हमने पलट कर देखा तो वो बुढ़िया कुछ ही पलों में हमसे बहुत दूर निकल चुकी थी। और धीरे धीरे जब वो हमसे बहुत दूर निकल गई तो हम सब ने उसकी ओर देखा तो हमारी नज़र उसके पैरों पर गई। यकीन मानो उसके दोनों पैर उल्टे थे। ये देख हम सब बहुत ज़्यादा डर गए। हम समझ गए थे, पर हैरानी हमें इस बात की थी कि हमारे भाइयों के साथ उनका एक दोस्त भी आया था जिसने हमें बाद में बताया कि वो बुढ़िया उसे पूरे समय नज़र ही नहीं आई, सब कुछ साफ था। हम भागकर शिव मंदिर में चले गए। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, डर के मारे हमने किसी को नहीं बताया। पर शाम को हमने अपने चाचा से पूछा कि वो कुएं के पास एक पेड़ है वो क्या है, तो चाचा ने बताया कि वो पीपल का पेड़ है। उन्होंने जैसे ही पीपल का पेड़ बोला तो हम घबरा गए क्योंकि हमने कई बार सुना था कि कुछ भूत प्रेत और साए अक्सर पीपल के पेड़ पर वास करते हैं, पर हम सब सही सलामत थे। बस यही थी मेरी कहानी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। मैं आशा करता हूँ आपको कहानियाँ ज़रूर अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर करें। बाय बाय।